सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि गोल नेक को हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से बिना बुकरम से। तो बिगनर्स भी इस नेक को जो है बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। जैसे क्या होता है, तब हम बुकरम लगाते हैं तो बुकरम लगाने से भी कई बार जो है गला सही से नहीं बन पाता है या फिर वो लगाने में उनको दिक्कत आती है। तो आज मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी कि आप गोल नेक पर जो है कैसे आसानी से आप उसको बना सकते हैं बिना बुकरम से। तो ये देखिए, उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम जो है अपने एक शोल्डर को सिल लेंगे। सिर्फ एक को सिलना है, दूसरे को अभी हमने नहीं सिलना। तो एक को हम सिल लेते हैं। शोल्डर जो है हमने जॉइंट कर लिया है, दूसरा शोल्डर अभी हमने जॉइंट नहीं किया है। अब हम काटेंगे उरे पट्टी। उरे पट्टी काटने के लिए इस तरीके से ट्राइंगल ले ले। ट्राइंगल लेने के बाद एक से डेढ़ इंच के आसपास जो है आप इसकी कटिंग कर लें। ये ऐसे जितना बड़ा आपका नेक है उसी हिसाब से आपको जो है ये स्ट्रिप काटनी है। तो ये आप जो है स्ट्रिप काट कर रेडी कर लें और इसको जो है यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। ये इस तरीके से कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक शोल्डर नहीं सिला था, वो वाला शोल्डर को हम खोलेंगे और ये वाले को, ये देखिए यहाँ से ऐसे हमने इसको खोला। खोलने के बाद ये मेरी लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट वाली साइड में जो है हम इस पर पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे हम इसको रखेंगे और इसको जो है हम पूरा सिलते हुए, ये देखिए जहाँ से हमने जॉइंट किया था यहाँ से जो है पूरे राउंड में पूरा सिलते हुए आगे पीछे दोनों एक साथ सिल जाएगा। तो ऐसे ही हम पट्टी लगाते हुए इसको पूरे को सिल लेंगे। ये देखिए नेक पर जो है हमने पट्टी लगा दी है। पट्टी लगाने के बाद अभी मैंने यहाँ से निकाला नहीं है इसे मशीन में से। अब हमने क्या करना है, पूरे नेक पर जो है इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमने पूरे नेक पर कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे। ये वाली पट्टी जो है हम इसको लेफ्ट में कर देंगे। लेफ्ट में करने के बाद फिर मशीन को ऐसे चलाएंगे और हमने इस वाली पट्टी पर, जो हमारी ये वाली उरे पट्टी है, इस पट्टी पर इसके साथ साथ जो है हमने मशीन लगानी है और ये वाला कपड़ा जो है ये हमारा इस पट्टी की तरफ होना चाहिए। ये ऐसे कर कर और फिर जो है हम इस पर पूरे नेक पर जो है गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। देखिए तब आप ये स्ट्रिप लगाएंगे तो स्ट्रिप को जो है अपनी उंगली से और इस वाली उंगली से और इस उंगली से दोनों को इस तरीके से स्टिच जो है ये खोल लें ताकि जो है हमारी जो है स्टिचिंग जो है अच्छी तरीके से आए। इस तरीके से हमको ऐसे करते जाना है। ये ऐसे करते हुए हम पूरे नेक पर सिल लेंगे इसको। ये देखिए इस पर जो है हमने स्ट्रिप लगा दी है पूरे नेक पर, यानी फ्रंट पर और बैक पर दोनों पर ये लग चुकी है स्ट्रिप। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए ये देखिए जो हमारी ये स्टिचिंग है इस वाली स्टिचिंग के साथ ऊपर रखेंगे ऐसे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये ऐसे कर कर अपनी जो स्ट्रिप काटें वो इक्वल काटें ताकि तब हम ये अपनी स्ट्रिप ऐसे मोड़ें तो ये जो है इक्वल आए। उसके बाद जो है अब हम इस पर मशीन लगा सकते हैं। आप इस पर हेमिंग कर सकते हैं, तुरपाई भी आप इस पर कर सकते हैं। तो अब आप इस पर जो चाहे वो आप इस पर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस पर जो है तुरपाई करूंगी। वैसे मैं आपको इस पर मशीन लगाकर दिखा देती हूँ, बाद में हम उसे निकाल देंगे। तो ये मैं आपको अब जो है नेक को सिलने का तरीका क्या रहेगा ये देखिए, ताकि झोल भी ना आए हमारा और कपड़ा अच्छी तरीके से ये जो नेक हमारा बने वो कैसे बनेगा। तो अब ये देखिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस रखें। अगर डिस्टेंस नहीं रखते और ये देखिए जैसे आप ऐसे करेंगे और तो ये क्या होता है, यहाँ पर आकर झोल आने लगता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखिए कपड़े को ऐसे फैलाइए, ऐसे देखिए जैसे हमारा नेक है सेम ऐसे जो है ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तब ये सेट हो जाता है, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ से जो है ये झोल आएगा और जो है नेक सही से नहीं बनेगा। तो जैसी ये शेप है उसी शेप में आप इसको ऐसे फोल्ड करें और अब इस पर आप जो है मशीन चलाएंगे तो ये आसानी से ये देखिए ऐसे ये सिल जाएगा। ऐसे ही जो है रिपीट करते जाइए, थोड़ी दूरी पर इसको फोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे ही करेंगे और ये देखिए इसको हम, ये देखिए यहाँ पर ये अपने आप ये जो फोल्ड हो गया है। अब ऐसे ही आप मशीन चलाकर इसे पूरा कर लें। ये देखिए नेक पर जो है पट्टी फोल्ड कर कर हमने इसमें लगा दी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारा नेक ये बनता है। अब उसके बाद ये वाला शोल्डर जो हमने एक नहीं सिला था, अब इस शोल्डर को हम यहाँ से स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है।
इसके अंदर फिनिशिंग भी बहुत ही आती है अगर आप ऐसा नेक बनाएंगे बिना बुकरम के, और बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।